नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है का किचन्स में तो आज हम बनाएंगे काढ़ा सर्दियां स्टार्ट हो चुकी हैं और घर में सभी सदस्यों के लिए काढ़ा बहुत ही उपयोगी है बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी इसका उपयोग कर सकते हैं बस थोड़ा क्वांटिटी का ध्यान रखना वो मैं आपको आगे बताऊंगी और ये इसका उपयोग करने से सर्दी खांसी जुकाम बुखार सिर दर्द बदन दर्द या फिर जमे हुए कम सब सही हो जाते हैं तो इस काढ़े का एक बार उपयोग करने से आपको पता चल जाएगा कि ये कितना असरदायक है मतलब एक रात में ही फर्क नज़र आएगा तो ये काढ़ा हम देसी तरीके से बनाएंगे और जो इस काढ़े में इस चीज़ें इस्तेमाल होगी वो सभी के घरों में लगभग होती हैं तो चलिए हम शुरू करते हैं काढ़ा बनाना तो सबसे पहले हमने तुलसी जी के पत्ते लिए हैं और इसके साथ ही हमने बीज ले लिए और थोड़ी मैंने लिए काली मिर्च सौ ये है अनार के छिलके यहाँ मैंने सूखे हुए अनार के छिलके लिए आधा इंच अदरक का टुकड़ा और लौंग और दालचीनी तो ये है सारा सामान पर हमारे को अभी दो दिन के लिए काढ़ा बनाना है तो इसमें से हम आधा मसाला ही इसमें से डालेंगे हम तो सबसे पहले हमने एक भगोना लिए हैं उसमें हम एक कटोरी पानी डाल देते हैं और इस पानी के अंदर ही तुलसी के पत्ते हैं और अब इसको हम गैस पर बॉईल करेंगे यहाँ पर पानी बॉईल होने लग गया है तो अब इसमें हम जो भी मसाले हमने लिए थे वो सारे हमने कूट कर डाले हैं और इसको अब पाँच मिनट तक बॉईल होने देते हैं और इसमें हम डाल देते हैं जी के बीज तो अगर आपके पास सूखे बीज हैं तो आप वो भी डाल सकते हो और अब इसमें हम डालेंगे डंठल समेत पत्तियाँ तुलसी जी की और अब इसको अच्छे से बॉईल होने देते हैं तो यहाँ पर ये देखिए उबल रहा है बॉईल हो रहा है और इसको बीच बीच में चम्मच से मिलाते रहना है और इसका कलर ही चेंज हो जाएगा पहले तो ये येलो कलर का होगा और फिर ये बिल्कुल रेड कलर का हो जाएगा आप देखते रहिए और अब इसमें हम डालेंगे गुड़ क्योंकि ये थोड़ा कड़वा हो जाता है ना तो इसको थोड़ा सा मीठा करने के लिए हम गुड़ डाल देते हैं चीनी हम नहीं डालते क्योंकि चीनी अच्छी नहीं रहती इसके बजाय गुड़ बहुत अच्छा रहता है तो ये गुड़ डाल देते हैं इसके अंदर और फिर से इसको बॉईल होने के लिए छोड़ देते हैं इसमें मैंने अनार के छिलकों का यूज़ किया है अनार के छिलकों से क्या होता है कि जब भी छोटे बच्चे या किसी को भी खांसी होती है ना तो वो खांसी बिल्कुल रुक जाती है अनार के छिलकों से तो इसीलिए मैंने अनार के छिलके का उपयोग किया है तो यहाँ पर ये देखिए काढ़ा लगभग बन गया है थोड़ा सा और इसको बॉईल होने देते हैं और इसका कलर भी चेंज हो गया है ये देखिए तो इसमें ये सारे मसाले अच्छे से पक जाएंगे यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स इसका कलर भी चेंज हो गया है और ये पानी उबलते उबलते जितना हमें डाला था उससे आधा हो जाएगा यानी एक कटोरी पानी डाला था तो ये आधी कटोरी के लगभग पानी होगा इस काढ़े को कब पीना है वो मैं आपको बताती हूँ इस काढ़े को रात को पीना है जब हम सोते हैं उस वक्त खाना वाना खा के लास्ट में हम इस काढ़े को पियेंगे और इस काढ़े को पीने के बाद हम पानी नहीं पियेंगे दूध भी नहीं कुछ भी नहीं पीना इसके बाद सीधे सो जाना है और सुबह में आप देखोगे तो आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा खांसी जुकाम बुखार सब सही हो जाएगा तो यहाँ पर काढ़ा बन चुका है तो इसको हम एक कटोरी में डाल लेते हैं इस तरीके से तो ये देखिए फ्रेंड्स हमने एक कटोरी पानी लिया था इसी कटोरी से लिया था तो ये आधी कटोरी है अब तो ये काढ़ा बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो गया है और अब मैं आपको बताती हूँ कि बच्चे से लेकर बड़ों तक कितना कितना हमें लेना है तो हम लेंगे यहाँ पर एक चम्मच अगर आपका बच्चा तीन से छः महीनों के बीच है तो इसके लिए बिल्कुल इतना सा काढ़ा लेना है और तीन साल का है तो एक चम्मच लेंगे और अगर बच्चा पाँच साल का है तो इस चम्मच से दो चम्मच लेंगे और बड़ों के लिए चार पाँच चम्मच हम ले लेंगे इससे हमें बहुत ही आराम मिलेगा बस ध्यान यही रखना है कि हमें इस काढ़े का प्रयोग रात को ही करना है आई होप कि ये वीडियो पसंद आई है अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग